आपका धर्मशीला किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए मटन बिरयानी की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार इस तरीके से बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। पहले हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6-7 प्याज मैंने लिया था, छिलका निकाल कर लंबे लंबे मैंने कट किया है। आप भी इस तरीके से ही प्याज कट करना, क्योंकि प्याज को हम लोग कुरकुरे बनाएंगे डीप फ्राई करके। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने हंडी बैठाया है गैस के ऊपर और तेल डाला है, और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा प्याज, आधा मैं दूसरे बैच में फ्राई करूँगी क्योंकि तेल मैंने कम डाला था। तो पहले इसको मीडियम फ्लेम पर कुरकुरे होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बीच बीच में गैस को फ्लेम को हाई भी कर देना, बीच फिर जब भी फ्राई होने लगे तो इसको मीडियम फ्लेम पर कर देना, नहीं तो प्याज जल्दी से जल जाता है, फिर कुरकुरे नहीं बन पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए बातों बातों में कुरकुरे प्याज हो चुका है। इसको छन्नी में निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। तो जैसे ही ठंडा होगा ना प्याज, तो एकदम कुरकुरे हो जाते हैं, एकदम इतना ही गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगा प्याज। और जो दूसरा बचा हुआ प्याज था वो भी मैं डालकर फ्राई कर लूँगी। और प्याज मैंने 300 ग्राम लिया था करीब, अगर वजन से देखें तो। और देखिए इसको भी उसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको मटन दिखाती हूँ। तो मटन यहाँ पे लिया है 600 ग्राम, अच्छे से मैंने धो लिया है और मटन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन मसाला, एक सुहाना का है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। और इसमें नमक भी रहता है, आपको नमक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे मसाला रहता है, आपको कोई भी बाहर के मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पैकेट पूरा डाल देंगे, 600 ग्राम चिकन में एक पैकेट जाता है। और ये हल्दी पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा सा, एक चम्मच के अंदाज, और लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं रहता है, तो आप मिर्ची अपने हिसाब से डालिए। और काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं एक चम्मच, और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाले हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है चॉप पुदीने का पत्ते फ्रेश वाला, और मुट्ठी भर के डाला था, और मुट्ठी से थोड़ा सा कम लिया है धनिया पत्ता चॉप किया हुआ, इसको भी डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप थोड़ा ज़्यादा लें, तो मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है, भर के लिया था 1 चम्मच, ऐसे लेंगे तो 2 चम्मच होगा। और थोड़ा सा नींबू का रस डाला है आधा, और यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम दही। दही में इसमें से पहले 200 ग्राम डालूँगी, और लगेगा तो मैं बाद में डालूँगी। तो 100 ग्राम के करीब बचाया है, और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं खड़ा वाला। उसके बाद हम डाल देंगे कुरकुरे प्याज जो मैंने फ्राई करके रखा था, और थोड़ा सा प्याज आप बचा लीजिए, बिरयानी के टॉप के ऊपर हम लोग गार्निश करेंगे। बाकी प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा बचा के रखिएगा। और अच्छे से इसको मटन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद मटन को 1 घंटा तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस टाइम पर भी बना सकते हैं मैरिनेट करके भी, छोड़ने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें दही कम डाला था, मतलब कम लग रहा था, तो थोड़ा सा और मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। तो मेरे 50 ग्राम सिर्फ दही बचा हुआ है 300 ग्राम में से, और इसको साइड में छोड़ देते हैं। चावल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है 1/2 किलो, और इसको पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसको, ये जो पानी है इसको फेंक देंगे, फिर इसमें साफ पानी ले लेंगे और इसको डुबोकर 1/2 घंटा तक छोड़ देंगे, तभी चावल हमारा लंबा बनेगा। तो इसको ऐसे ही 1/2 घंटा तक छोड़ देते हैं पानी में ही। उसके बाद हम लोग मटन बनाएंगे। तो यहाँ पर मटन वो 1 घंटा हो गया है रेस्ट करते हुए, तो फटाफट से गैस के ऊपर वही हंडी बैठाया है, और उसमें जो तेल था वही है, तेल एक्स्ट्रा नहीं डाला है, और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है।
और मटन को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक लगातार आप चलाते रहिए, क्योंकि जो इसमें मैंने दही डाला था वो फटने का चांसेस रहता है, इसलिए गैस को हाई फ्लेम पर ना करें, अभी मीडियम फ्लेम पर ही रखें और इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको चलाते रहना है, 1-2 मिनट हो जाए ना उसके बाद इसको ढक देंगे। तभी ढक देते हैं और दूसरे साइड हम लोग चावल चढ़ा देते हैं। तो मैंने गैस पे पतीला चढ़ाया, इसमें 1.5 लीटर करीब पानी लिया है और इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। तो थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं खड़े मसाले, और इसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता डाल देंगे 2-3, और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है लौंग, इलायची वो भी डाल देते हैं, और ये थोड़ा सा स्टार फूल है 1, और दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें तेल डाल देते हैं 1 चम्मच के अंदाज, और नमक डाल देंगे 1 चम्मच भर कर, और इसको ढक देंगे, नहीं तो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, उसी क्या होता है चावल एकदम वाइट बनता है। अब इसको ढक देते हैं, अच्छे से पानी में उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग डालेंगे चावल। तो पानी उबलने लगा है और ये चावल में जो पानी एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल लिया है, और डाल देते हैं ये उबलते हुए पानी में चावल को। चावल डालने के बाद आप इसको हिलाना, इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको हल्का पका लेंगे, उसके बाद इसका पानी निकालेंगे। तब तक हम लोग मटन को भी देख लेते हैं। तो ये मटन भी हमारा करीब ये 5 से 6 मिनट हो चुका है, बीच बीच में मैंने चलाया था, इस बात का ध्यान रखिए आप चलाते रहिएगा नहीं तो जल जाएगा। वैसे मीडियम फ्लेम पर रखा है, जल्दी नहीं जलेगा। और इसको फिर से हम ढक देते हैं 5-6 मिनट के लिए। तो चावल भी हमारा ये पक गया है, क्योंकि इसको 50% ही पकाएंगे, एकदम कच्चा रखना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए ना, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, और ये जो खड़े मसाले हैं ना इसको मैं निकालूंगी, क्योंकि जब भी बिरयानी बनने के बाद खाते हैं ना तो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। और ये जो मैं पानी निकाल रही हूँ ना, ये मैं रखूँगी ग्रेवी में यूज करूँगी, तो ये ज़रूर आप करें। और चावल देखिए इतना ही आपको पकाना है, मसलने पर मसला आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत कच्चा चावल है, बाकी मटन में पकाएंगे। तो ये मटन भी देख लेते हैं, 5 मिनट हुआ है, तो टोटल अभी पकते हुए 10 मिनट हो गया है। और इसमें हम डाल देंगे रफली कटा हुआ टमाटर, 1 टमाटर है, और टमाटर डालने के बाद फिर से इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा मटन पकेगा तभी अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च भी डाल देते हैं 2-3 रफली कटा हुआ, और इसको चलाकर फिर से हम ऐसे ही ढक देंगे 5 से 6 मिनट तक के लिए, उसके बाद हम चावल डालेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे, 5 से 6 मिनट हो जाएगा ना, उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को ऐसे छिलका जैसे निकाल लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए, अच्छा टेस्ट आता है, प्याज का स्वीटनेस का टेस्ट देता है। और जो मैंने पानी निकाला था चावल से वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अब टोटल ये हमारा मटन 16-17 मिनट पक चुका है, तो ये अच्छे से पक गया है, और थोड़ा सा जो भी बचा होगा वो चावल के अंदर पक जाएगा। थोड़ा सा प्याज डाले थे जो कुरकुरे किया था, और धनिया का पत्ता डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल जो मैंने हाफ कुक करके रखा है, इसके पूरा चावल को हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, और इसके ऊपर हम डालेंगे घी। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर अगर डाले तो। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, इसमें हम कलर आने के लिए डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो मैंने हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच डाला है, रेस्टोरेंट वाले तो कलर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कलर नहीं डालूँगी, हल्दी से ही बहुत अच्छा कलर आएगा, आप देखिएगा
ये सीक्रेट तरीका है, मैंने बनाया है, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार इस तरीके से भी ट्राई करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कलर नहीं है। और पूरा दूध अच्छे से चारों तरफ से डालें, उसके बाद धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दें और कुरकुरे प्याज को भी डाल देते हैं जो मैंने बचा के रखा था, और ढक्कन लगा देते हैं। अब इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन लगा देते हैं। उसके बाद हम गैस के ऊपर बैठा देंगे। तो गैस के ऊपर डायरेक्ट नहीं बैठाना है, देखिए अभी इतना मैंने गैस का फ्लेम रखा है मीडियम पर और तावे लिया है, तावा थोड़ा सा मोटा है। 5 मिनट तक मीडियम पर रखें, उसके बाद गैस को धीमी कर दें। इसको आपको 15 से 20 मिनट कम से कम आपको बिरयानी को पकाना है। तो 20 मिनट के बाद ही, ये 5 मिनट के बाद मैंने धीमी कर दिया है, इतना गैस का फ्लेम रहना चाहिए। तो ये 20 से 21 मिनट तक मैंने करी पकाया है और इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। नीचे उतार लिया है और इसको 10 मिनट तक छोड़ दे, ठंडा होने दे, उसके बाद ही आप ढक्कन को खोलें। तो ये 10 मिनट हो गया था, तो ढक्कन अब खोले हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी से अच्छा टेस्ट और कलर भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। और फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लिया है और गर्मा गर्म मटन बिरयानी सर्व कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही जूसी भी है हमारा बिरयानी और अच्छे से पक गया है मटन, एकदम हड्डी छोड़ दिया है। आप एक इस तरीके से बनाएंगे ना तो मटन बिरयानी आपका फेवरेट हो जाएगा सच में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बिरयानी बना है, आपको रेस्टोरेंट जाने को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा बिरयानी अगर बना लें एक बार तो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा सा उसके ऊपर हम कुरकुरे प्याज डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ता, और हो गई हमारा मटन बिरयानी बनकर तैयार।